हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि नया जॉब कार्ड आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किया सो फ्रेंड्स प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। आप गूगल ओपन कर लेंगे मोबाइल या लैपटॉप में, उसके बाद आप यहाँ पर जॉब कार्ड लिख लेंगे और यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी narega.nic.in। इस पर आपको क्लिक कर लेना है, फिर आपको यहाँ पर ये ओपन होके आ जाएगा। ग्राम पंचायत आपकी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपको, डाटा एंट्री, ये वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर लेना है डाटा एंट्री वाले में। और फिर आपको यहाँ पर अपना स्टेट चुन लेना है, जो भी स्टेट आपका है वो स्टेट आप यहाँ से चुन लेंगे। स्टेट चुनने के बाद फिर एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा, जहाँ पर आपको फाइनल ईयर्स चुन लेना है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत और यूज़र आईडी एंड पासवर्ड कैप्चर कोड करके आपको यहाँ पर फिर लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो भी ईयर्स में आपको बनवाना है वो डाल सकते हैं। फिर आपके पास दूसरा है डिस्ट्रिक्ट चुन लेते हैं, पहला डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा है। और फिर आपको यहाँ पर ब्लॉक है, पहला ब्लॉक ये है, ये डाल देते हैं हम। और फिर लास्ट में आपके पास आता है यूज़र आईडी एंड पासवर्ड और फिर कैप्चर कोड। ये यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपको दोनों फिल करने के बाद, कैप्चर कोड डालने के बाद फिर आपको यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करके अंदर दिखाता हूँ यहाँ पर क्या करना होता है आपको। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अभी लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद हमारे पास यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, रजिस्टर्ड एंड जॉब कार्ड। ठीक है, उसके बाद अपलोड अप्लीकेशन, अकाउंट डिटेल्स और वर्क डिमांड आ जाता है। सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है स्टेप बाय स्टेप। अभी हम पहले वाले में काम करेंगे, रजिस्ट्रेशन एंड जॉब कार्ड वाले में हमको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में काम करना है। तो पहले वाले में क्लिक करके दिखा देता हूँ मैं इसके आगे फिर क्या बोलता है। चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं पहले वाले ऑप्शन में। पहले वाले में जैसे ही आप क्लिक करते हैं फिर एक नया पेज ओपन होके आ गया यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले में। और पहले वाले में क्लिक कर देंगे आप बीपीएल डाटा में। इस वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ पे एक फॉर्म भरने को बोलता है। उस फॉर्म को हम यहाँ पर भर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, पूरी जानकारी भरेंगे उसमें। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या वहाँ पर पूछ रहा है हमसे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको फर्स्ट में आपको यहाँ पर गाँव डाल लेना है अपना, पहले कौन से गाँव से हैं, परिवार के मुखिया का नाम। एक परिवार में एक ही जॉब कार्ड बनेगा, एक परिवार में, एक फैमिली में, तो उसको यहाँ पर डाल लेना है अपना। और उसके बाद उनके पिता का नाम डाल लेना है, परिवार का पहचान पत्र डाल लेना है। और उसके बाद SC ST OBC अदर जनरल जो भी है वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। फिर मकान नंबर, पंजीकृत की जो डेट है वो डाल लेनी है, क्या BPL परिवार है, यस नो ये डाल देंगे आप। और ये सारी जानकारी भरने के बाद आप यहाँ पर फिर परिवार आवेदनकर्ता का नाम डाल देंगे, मेल है मेल, फीमेल है फीमेल, आयु डाल देंगे उनकी यहाँ पे, विकलांग है यस या नो, नहीं होंगे तो हैं तो ठीक है। परिवार के मुखिया के साथ संबंध ये है, आप यहाँ पर रिलेशन डाल देंगे उनके साथ, बेटा है या वाइफ है। ठीक है, जो भी है यहाँ पर आप वो डालने के बाद फिर आप इसे यहाँ से नीचे सेव कर लेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा ऑप्शन आता है इसके बाद सेव कर, जो भी और भी फैमिली में और भी मेम्बर हैं सब आप इसमें डाल सकते हैं, 10 तक होंगे नीचे आपको यहाँ पर। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार आगे क्या बोलता है इसके बाद। फिर आपको यहाँ पर आपको ये 10 तक देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसे आप 10 मेंबर को ऐड कर सकते हैं इसमें आप। और फिर आपको यहाँ पर लास्ट में एक सेव का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। सेव करने के बाद एक फिर हमारे पास नया पेज आता है, वहाँ पर क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे ही हम इसे यहाँ से सेव करते हैं फिर आगे हमें यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो भी आपका रजिस्ट्रेट नंबर है UK 04 यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, लास्ट में ये नंबर आ जाता है। फिर आपको यहाँ पे इनका जो है प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोलता है। ठीक है, एक यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर देंगे परिवार के मुखिया का और फिर यहाँ से इसे सेव फ़ोटो में भी क्लिक करके हम इसे सेव कर लेंगे और ये रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह हम इसे संभाल के रख लेंगे। फिर इसका हम ऑनलाइन जो है इनका
जॉब कार्ड डाउनलोड करके ना प्रिंट करके हम इजीली दे देंगे। तो इस टाइप से आप भी इसे फिल करने के बाद बनवा सकते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं फ्रेंड्स, परिवार का राशन कार्ड चाहिए और सभी लोगों के यहाँ पर आधार कार्ड होने चाहिए, वो कहीं दूसरे जॉब कार्ड में रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। एक परिवार में एक आपके जो राशन कार्ड है उसमें ये सारे 10 मेंबर्स ऐड हो सकते हैं इजीली, और वो कहीं पहले से ऐड नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो एक जॉब कार्ड में 100 दिन का रोज़गार है, भले ही आपके 10 लोग हैं तो 10-10 दिन का सबको रोज़गार मिल जाएगा, 100 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, उसमें जो जो भी काम आता है वो सारा अब जॉब कार्ड के अंदर आता है। तो इस टाइप से आप भी करवा सकते हैं। अगर आपके पास ये ऐप ओपन नहीं होता है तो आप अपने नज़दीकी ऑफिस में जाने के बाद, मनरेगा के ऑफिस में जाने के बाद, आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ दे सकते हैं, आधार कार्ड, अकाउंट नंबर, और आपको यहाँ पे अपना राशन कार्ड देने के बाद आपका वहाँ से भी रजिस्टर्ड हो जाएगा इजीली। किसी भी प्रकार की हेल्प एंड सहायता के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको जल्दी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।